अस्सलाम वालेकुम, मैं हुकरत लैन और एक्सप्लोर द ब्यूटी एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की सीरीज़ के सिलसिले में मैं मौजूद हूँ अली बेग गुरुद्वारा में। और यहाँ पर आज हम आपको पूरा विज़िट करवाएंगे, इसके बारे में मालूमात भी लेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा हबीबुल्लाह साहब, इनसे गुरुद्वारे के बारे में कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आसार कदीमा है, इसके बारे में जो भी तारीख हमें बताती है, कुछ हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज देखें कि बड़ा खुशगवार मौसम है, इस वक्त बारिश लगी हुई है। हाँ। और ये आज से 350 साल पहले ये गांव आबाद हुआ था, और एक वक्त था जब हमारे सिख भाई, हमारी सिख बहनें, हमारी सिख बेटियां, हमारे सिख बच्चे, सिख बुज़ुर्ग जो थे वो यहाँ पे आते थे। बड़ी यहाँ पे रहल पहल होती थी और यहाँ बड़ी रौनकें थीं। लेकिन वक्त की सितमज़रीफ़ी देखें कि वक्त ने सब कुछ जो है वो उलट दिया है। ये गुरुद्वारा बुनियादी तौर पे जो है ये मुगलिया दौर में तकरीबन इसकी तामीर शुरू हुई, और इसमें आप अगर विज़िट करें तो इसमें कुछ आसार जो हैं वो ब्रिटिश राज के भी हैं। ब्रिटिश राज के आसार इस हवाले से हैं कि यहाँ पे जो रोगनी टाइल्स लगी हुई हैं वो बुनियादी तौर पे बरेसगीर में उस वक्त कंसेप्ट नहीं था इन्हें बनाने का। जी। तो ये टाइल्स जो हैं ये इंपोर्ट किए हैं यहाँ जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, जो यहाँ पे ये चलाते थे, इसे रन करते थे। तो ये बहुत आबाद था, बड़ी रौनकें थी। लेकिन ये जो तकसीम बरेसगीर है, इसमें जहाँ बहुत कुछ तब्दील हो गया, वहाँ यहाँ का जग्राफिया भी तब्दील हो गया। जी। और बहुत सी चीज़ें जो हम मज़ीद इसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, अंदर चलते हैं, आपको विज़िट करवाते हैं और राजा साहब से मज़ीद मालूमात लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जो मेन एंट्रेंस किसी ज़माने में हुआ करती थी, अभी भी है लेकिन कुछ खस्ता हाल है। हम क्रॉस करके अंदर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक कदीम दरख्त है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप ऑफ कैमरा कुछ बता रहे थे कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये दरख्त का क्या आप कहना चाह रहे थे, मैं अच्छा, बताना चाहती हूँ। जी ज़रूर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये आप जहाँ भी जाएं, मैं मुझे बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क कई गुरुद्वारों में जाने का इत्तेफाक हुआ, और तकरीबन एक जो यकसां खसूसियत है उनको जो देखने में आती है कि हर गुरुद्वारे में जो है वो पानी के तालाब जो हैं वो मौजूद हैं। क्योंकि उस वक्त पानी जो है वो, ये जो इस वक्त बारिश में हम खड़े हैं, ये बारिश ही एक रिसोर्स था जिसके ज़रिए स्टोर किया जाता था पानी। और इस हवाले से यहाँ ये निशेबी जो है वो हिस्सा है, तो इसमें पहले ये देख के गुमान गुजरता है कि यहाँ पे एक तालाब था। सही है। और तालाब जो है, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसके साथ वहाँ पे एक पानी का नल लगा हुआ है, वो बेसिकली पानी का कुआं था, पीने के लिए पानी जो है वो उस कुएं से इस्तेमाल किया जाता था। ये जो तालाब था यहाँ पे जो है वो पानी स्टोर कर लिया जाता था, जब कैद साली होती थी या बारिशें नहीं होती थी तो ये पानी भी जो है इस्तेमाल में लाया जाता था। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे अकब में जो है ये मेन इंटरेस्ट है बुनियादी तौर पे, और इसे यहाँ से यात्री दाखिल होते थे। लेकिन यहाँ पे एक आप देखेंगे कि एक बाद में, बहुत बाद में एक दीवार बनाई गई है, और इस दीवार बनाने का जो मकसद है बुनियादी तौर पर, क्योंकि गुरुद्वारे का एक अपना तकद्दस है और इस चीज़ का इत्मार रहता है कि जो आवारा जानवर हैं वो अंदर आ सकते हैं, तो उस तकद्दस की पामाली को रोकने के लिए जो है ये दीवार बना दी गई है, ताकि जो जानवर है वो अंदर ना जाएं और इसकी बेरहमती ना हो। जी नाज़रीन, अब गुरुद्वारे के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सुन रखी हैं। एक पहले यहाँ सिराए होता था और लंगर खाने का बड़ा अहतमाम होता था, जिसमें जो है यहाँ के इलाकाई लोग भी और जो सिख बरादरी के लोग थे वो भी यहाँ पर जो है वो मुस्तफ़ीद होते थे, हम जानते हैं। लेकिन आपको चाहते हैं कि इससे पहले विज़िट करवाएँ पूरे गुरुद्वारे का, आप देख सकें। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं बिल्कुल गुरुद्वारे के अंदर, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं बैक साइड पे पूरा आपको महसूस हो रहा है कि किस तरीके से जो है वो उस तरह उस टाइम पर यहाँ पर काम किया गया। अच्छा राजा साहब, कोई भी सवाल करने से पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तकसीम से पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके ताल्लुकात किस तरह के थे। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि
अगर रियासत पे अगर आप गौर करें तो बरेस्कीर और रियासत जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है और जो तारीख है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोगों के रवैये और बरेस्कीर के लोगों के रवैयों में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क है। और स्पेशली मैं अपनी मरहूमा दादी साहिबा का मैं जिक्र करूँगा, मैंने उनसे सुन रखा है कि वो बताती थी कि जितने भी हिंदू थे यहाँ पे, सिख थे, मुसलमान थे या दीगर मज़ाहब के लोग थे, उनमें बड़ी आपस में वज़ादारी रवादारी थी और वो एक दूसरे की जो खुशी गमी होती है, मतलब शादियाँ ब्याह या किसी की वफ़ात हो जाती है, तो वो अपने अपने अंदाज़ में एक दूसरे की सपोर्ट करते थे, उसमें वो शामिल होते थे, एक दूसरे के वो काम आते थे। लेकिन अगर आप देखें तो जब 1947 में जब बरेस्कीर का बंटवारा हुआ तो उस वक्त 15 लाख के करीब जो है वो मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए, और उस वक्त के हालात के मुताबिक जो इंताब पसंद हिंदू थे, सिख थे, उन्होंने मिल के जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम किया। और यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो कुछ नाखुशगवार वाक़ात यहाँ पे भी यकीन पेश आए हैं, और ये भी बुनियादी तौर पे जम्मू का वाक़ा आप इंडियन ब्रिटिश लाइब्रेरी में रिकॉर्ड में भी मैंने वहाँ पे देखा है, ये मौजूद है कि 2 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो जम्मू में उनका अच्छा। कत्लेआम किया गया और धोखे के साथ उन्हें ये कहा गया कि हम आपको पाकिस्तान भेजते हैं, तो सब लोगों को एक जगह इकट्ठे करके फिर उन काफलों का कत्लेआम किया गया। जब वो ख़बर यहाँ पे पहुँची यहाँ के मुसलमानों की, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त इंसान इंसान नहीं बल्कि इंसान दरिंदा बन चुका था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ जम्मू में मुसलमानों का ज़बह किया गया, मारा गया, जब यहाँ के लोगों को पता चला तो यहाँ भी कुछ नाखुशगवार वाक़ात हुए। लेकिन इसमें भी उसके बावजूद यहाँ जो एक रवादारी पाई जाती है यहाँ के लोगों में, मैंने कई प्रोग्रामात देखे हैं जिसमें पुराने हमारे सिख जो भाई हैं वो बताते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया अपनी दादी मोहतरमा के हवाले से कि बड़ी रवादारी थी आपस में, तो यहाँ के लोगों ने उन्हें प्रोटेक्शन दी और उन्हें महफूज तरीके से यहाँ से निकलने में उन्हें मदद की। तो ये था यहाँ के जो है वो यहाँ की जो मजहबी रवादारी थी और लोगों में जो उठना बैठना था जी। तो वो एक वक्त ऐसा था कि उसमें ये सब कुछ हो गया। अच्छा राजा साहब, बात करें कि 1767 की कि गुजर सिंह ने जो है वो गखड़ करम खान को शिकस्त देकर जो है यहाँ पर इस जगह पर कब्ज़ा किया था, और उसके बाद जो है वो पहली अमली जो है वो यहाँ पर इबादत गाह ये गुरुद्वारा जो है वो कायम की थी, उसके बाद क्या सूरत हाल रही उसके बारे में भी बताएं। ये देखें जी, मुख्तलिफ अदवार हैं तारीख के, जिस तरह के आपने गुजर सिंह के हवाले से बात की है, तो वो आज से तकरीबन 300 साल हो गए हैं, ये जिस इमारत में हम खड़े हैं इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे, तो 300 साल पहले ये गुरुद्वारा बनाया गया, और वो उस जो वो हमला हुआ था उसके बाद जब ये बस्ती आबाद हुई, यहाँ पे गुरुद्वारा तामीर हुआ, तो उसके बाद बड़े पुरअमन हालात रहे 1947 तक। फिर 1947 में जो भूचाल आया एक बड़ा पूरे बरेस्कीर में, उससे ये खिता भी जो है वो मुतासर हुआ और यहाँ भी इस तरह के जो वाक़ात हैं वो रुनुमा हुए। सही। अच्छा फिर यहाँ पे कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गुरबत थी इस इलाके में तब, और फिर यहाँ के मकामी लोगों ने जो है वो सिख कम्युनिटी ने और ये सारा कुछ जो है वो स्कूल बनाया, पुलिस चौकी बनाई, ये गुरुद्वारा जो है वो कायम हुआ, और इसके अलावा सराय कायम हुआ, उसमें लंगर का इंतज़ाम होता था और वो सबके लिए आम था, और उस लंगर के जो मुंतज़िम जो होता था उसको वहाँ के मकामी लोग मकामी ज़बान में जो है वो बाबा कहते थे, और फिर वो बाबा अली बेग, क्योंकि आखिरी अली बेगी थे, तो फिर इस तरह से, तो ये क्या सिलसिला था, इसकी कोई ख़ास वजह थी? ये बुनियादी तौर पे बड़ा तहजीब याफ्ता इलाका था अली बेग, जिस तरह के आपने बताया कि यहाँ पे स्कूल बनाए गए, यहाँ पे पुलिस चौकी है, यहाँ पे गुरुद्वारे बनाए गए, मस्जिद भी बनी है यहाँ पे, दिगर के जो मज़हब के लोग थे हिंदू थे वो भी आज़ादाना, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है ना वो बड़ा साजगार था तमाम अकवाम और तमाम मज़हब के लिए, तो इस खिते ने जो है वो बहुत तरक्की की, और यहाँ जो ये अली बेग था यहाँ पे 20% जो है वो सिख बरादरी जो है, ये सिख बरादरी का बड़ा ये गढ़ था, ये जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर में, इसमें यहाँ इनकी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर गुजरे हैं, और वो यहाँ की तमीर व तरक्की के लिए उनके जो हैं वो बड़ा करदार है, इसी वजह से जो है इस इलाके ने तालीम यहाँ पे आने से यहाँ पे, और ये जब हम ये गुरुद्वारा आप देख रहे हैं ये तो यहाँ पे सैकड़ों एकड़ जो है वो ज़मीन मुख्तस थी, और इस गुरुद्वारे के इतराफ़ में जो जगह थी वो
زرعی رقبہ تھا اور یہاں سے جب وہ کاشت کر کے جو چیز انہیں وہ جنس اجناس جو حاصل ہوتی تھی وہ گردوارے کے جو اخراجات ہیں وہ جو ہیں اس پہ اسپینڈ کیے جاتے تھے. ہم آپ نے دیکھا ہو کہ جب گردوارے کی سیڑھیوں سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں تو نیلے رنگ کے دو گیٹ بنے ہوئے ہیں. وہ جو گیٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ یہاں پہ جو اناج تھا وہ ذخیرہ کیا جاتا تھا. اسی طرح نیچے ہم فرسٹ فلور پہ ہیں, گراؤنڈ فلور سے نیچے بیسمنٹ میں بھی ایک بہت بڑا حال تھا. یہاں پہ جو ہے وہ یاتری آتے تھے یا یہاں کے جو مقامی لوگ تھے, بالخصوص جو سکھ برادری کے لوگ تھے, ان کے لیے یہاں اور زائرین کے لیے یہاں لنگر کا اہتمام ہوتا تھا. جی ناظرین, جس طریقے سے آپ نے گفتگو سنی راجہ صاحب کی, بہت ہی ایک خوبصورت جگہ, اور نہ جانے اس ٹائم پر یہ مزید خوبصورت ہوا کرتی ہوگی, یقیناً آج اس کا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے, توجہ نہیں دی گئی. اور میں راج صاحب جا جاتے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہاں پر توجہ دی جائے اور اس کو ایک پراپر پلیس بنایا جائے جہاں پر وزٹرز آئیں, وزٹ کریں, ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو کرے, لوگوں کو سیکھنے کا, ہسٹری جاننے کا موقع ملے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ دیکھیں کہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں, آپ ان کی خوبصورتی دیکھیں, ان کی رواداری دیکھیں کہ آج تک یہ عمارت جو ہے وہ قائم ہے, اور اس وقت ہم جو ہے اس کی چھت کے نیچے کھڑے ہیں. جی یہ مذہبی رواداری کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مثال ہے. تو اس حوالے سے میں جو حکومت آزاد کشمیر ہے اور بالخصوص جو ہمارا محکمہ آثار اکیڈیمیا ہے اسے میں گزارش کروں گا کہ آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ بادشاہی ماسک دیکھیں, آپ شاہی کلا دیکھیں, بالکل. اسے رینوویٹ کیا گیا ہے اسی طرز تعمیر میں جیسے وہ مغلیہ دور میں تھا. تو اگر اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اثار اکیڈیمیا توجہ دے اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے تھوڑا فیاضی سے کام لے اور بجٹ اس کے لیے مختص کرے, تو یہ اسے اگر اسی شکل میں دوبارہ رینوویٹ کیا جائے, یہاں پہ آپ ٹکٹ لگا دیں, اسٹاف آپ قائم کریں, تو اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں, کنیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں, برطانیہ میں, مڈل ایسٹ میں, ہر جگہ جو ہے وہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ آباد ہے, اور بڑی تعداد میں میں توقع کرتا ہوں کہ نہ صرف سکھ برادری جو ہے وہ یہاں پہ زائرین آئیں گے بلکہ یہاں پہ جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں, انگریز ہیں, وہ بھی یہاں پہ آئیں گے, اور مقامی لوگ بھی جو ہے آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے وہ بھی یہاں پہ آئیں گے. اس سے ہمارا ایک جو سافٹ ایمن جائے, ایک تو وہ جائے گا اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا. بالکل, بہت شکریہ ناظرین. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ گردوارہ ہم نے آپ کو وزٹ کرایا, امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا جو آپ کے کام آ سکے گا. اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین کے اوپر کہ آپ کو ایک رائٹنگ نظر آ رہی ہوگی, اس کی اگر کسی کو ٹرانسلیشن پتا ہے تو وہ کامنٹ سیشن میں ضرور اس کا مطلب ہمیں سمجھائیے گا. چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.